नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो लगभग सभी एग्ज़ाम में आते हैं और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे एसेट की तैयारी कर रहे हो या फिर हिंदी के किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर हिंदी का एग्ज़ाम आपने देना है तो हिंदी व्याकरण उसमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका आपको पता ही है कि 25% मान लीजिए, 40% मान लीजिए हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न वैसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप एसेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो आपको पता है कि संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं और आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार पांच भेद माने जाते हैं, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा उसमें शामिल हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा का वाक्य बताना है। सबसे पहला वाक्य है, गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया। तो किसने करवाया? गांधी जी ने। सबको पता है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी जी एक हैं, विशेष हैं, खास हैं, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, उसके बाद है, तुमने तो श्रवण की तरह माता पिता की सेवा की। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, तो स्पेशल किसकी बात हो रही है? राम की। पंडित जी को गुलाब और बच्चों से बहुत प्यार था, तो कौन पंडित जी? जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है, स्पष्ट है यहाँ पर। ठीक है, पंडित जाति भी है और गांधी जाति भी है, लेकिन खास व्यक्ति की किसी की बात हो रही है, जो विशेष है, खास है, एक है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर दो है। क्यों है? यहाँ पर श्रवण की बात हुई है। ठीक है, श्रवण भी एक है, खास है, विशेष है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि तुमने तो श्रवण की तरह माता पिता की सेवा की, मतलब के ऐसे बच्चे की, ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसमें श्रवण जैसे गुण हैं अपने माता पिता की सेवा करने के। यहाँ पर तुलना का भाव आ जाए, समानता का आ जाए, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि उनके गुणों में समानता होने के कारण किसी को श्रवण जैसा बोला गया है। यहाँ पर श्रवण की बात नहीं हुई, ऐसे गुणों वाले बच्चों की जाति की बात हुई है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही होगा। उम्मीद है आपको इस प्रश्न की समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा से हुआ है? तो आपको पता ही है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से होता है। ठीक है, अव्यय से भी होता है, तो यहाँ पर किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा से हुआ है? तो इंसानियत, इंसान से, एकता, एक से, कहावत, कहना से, स्वत्व, स्व से। तो ये तो हो गया सर्वनाम, ये हो गया हमारी क्रिया कहना, एकता ये विशेषण हो गया, एक से एकता, इंसान से इंसानियत, मतलब इंसान में जातिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस शब्द में हुआ है? इंसानियत, इंसान से इंसानियत, इंसान में जातिवाचक संज्ञा है। आगे है, निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? ठीक है, प्रश्न अच्छे लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना है, ताकि अगली क्लास के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि अब भी टाइम क्या हो रहा है, 10 बज गए हैं, और घर का काम वगैरह करके सोचा एक वीडियो तो बनाते हैं। ठीक है, तो किसमें नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? शेर नी, नी प्रत्यय है, सिंह नी, मोर नी, स्वामिनी। तो स्वामिनी में नी प्रत्यय नहीं है, इनी प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है इसमें? इनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखना है इसमें नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे है, निम्न शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? आकाश एक है, क्रोध आता है, प्रेम हो जाता है, दाम गिरते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो दाम शब्द है, हमेशा इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। उम्मीद है 4 प्रश्न किए हमने,
चारों आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। आगे है गरीबों को दीजिए, वाक्य में किस कारक का प्रयोग। अगर हम एच टेट की बात करें ना, तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से लगभग हर बार प्रश्न आता है। कौन कौन से टॉपिक टॉपिक हैं? क्रिया हो गया, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, एक कारक हो गया, ठीक है। कुछ टॉपिक तो तय हैं कि यहाँ से प्रश्न आएगा, और एक ही तरीके के प्रश्न आते हैं। एस्टर की यही खासियत है, फिर भी बच्चे गलती करते हैं। व्याकरण की बात करें तो एक ही टॉपिक से एक ही तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ शब्दकोश से आ जाते हैं, जैसे संधि हमेशा पूछी जाती है, समास पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्यय से आता है प्रश्न, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा आती हैं, उनको अच्छे से कर लेना चाहिए। तो गरीबों को दीजिए, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक का ही प्रयोग होता है, याद रखना है। क्योंकि जब कोई चीज़ हम किसी को देते हैं और उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, उसका काम निकल जाता है, वो चीज़ हम वापस नहीं लेते, तो वहाँ पर संप्रदान कारक ही होता है, ठीक है। आगे है, वह घोड़े से गिर पड़ा में कौन सा कारक है। घोड़े से गिर पड़ा मतलब घोड़े पर बैठा था, घोड़े से गिर पड़ा, घोड़े से क्या हो गया, अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, अपादान कारक का प्रयोग होता है। आगे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्वंद की बात होती है, ठीक है। क्योंकि जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस है, एक ही बंदा है, उसके पास लाठी है, उसी की उसके अपने बल पर क्या है, भैंस है। तो यहाँ पर इनमें स्वंद हो गया, तो ऐसे ही वाक्य पूछे जाते हैं स्वंदवाचक सर्वनाम में। तो याद रखना है यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वंदवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। एस्टेट में नहीं करके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये भी खास ध्यान रखना है। पहले आपने उसको सर्कल कर लेना है कि नहीं का जवाब देना है या हाँ का देना है, ठीक है। तो मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, निजवाचक सर्वनाम बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें एक ही बात पर आपने ध्यान देना है कि यहाँ भी कोई काम, कोई भी बंदा है, चाहे आप हो चाहे कोई दूसरा है, अपना काम स्वयं कर रहा है, खुद का काम खुद कर रहा है, तो वहाँ पर स्वयं निजवाचक सर्वनाम ही आता है। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, तो काम मैं स्वयं कर रहा हूँ। अभिषेक अपने आप घर चला जाएगा, तो अपने आप जा रहा है, आप बहुत अच्छा गाते हो। सोहन अपने आप ही आ जाता है, तो सोहन अपने आप आता है। आप बहुत अच्छा गाते हो, यहाँ किसी को कहा जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपका प्रयोग सम्मान देने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर कोई निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। आगे है, वह लड़का प्रथम आया वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ संज्ञा से पहले आके जो सर्वनाम उसी की विशेषता बता देता है, तो वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि वह लड़का, लड़का और वह एक ही बंदे के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। आज मैंने ढेर सारा मक्खन खाया वाक्य में विशेषण के कौन से भेद का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण से प्रश्न आता है, और संख्यावाचक या परिमाणवाचक से, निश्चित या अनिश्चित से, ऐसा ही पूछा जाता है हमेशा। मैंने बहुत सारे प्रश्न ऐसे देख लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने उस संज्ञा को देखना है, उस वस्तु को देखना है जिसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर होता है, हो रही है बात मक्खन की, और मक्खन को हम कैसे खरीदते बेचते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मक्खन को हम तोलेंगे, उसको गिनेंगे नहीं। तो इसका मतलब संख्यावाचक का तो सवाल ही ख़त्म है, संख्यावाचक का तो सवाल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इसको गिना नहीं जाता, मापा तोला जाता है। तो परिमाणवाचक विशेषण है, मतलब कि परिमाण हमने देखना है कि इसमें निश्चित है या अनिश्चित है। आज मैंने ढेर सारा मक्खन खाया, ढेर सारा किसी की कैपेसिटी कम हो सकती है, वो कुछ ग्राम को ढेर बोल सकता है, किलो को, आधा किलो को, बहुत सारे को।
तो हमें उसकी जो भी मात्रा है उसका हमें निश्चित नहीं है कि वो कितने थी, ठीक है। तो इसका मतलब परिमाण क्या है, अनिश्चित है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का, ठीक है। आगे है, हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए में विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लोगों को। लोगों को कभी नापा तोला नहीं जाता, गिना ही जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है संख्यावाचक विशेषण। तो परिमाण वाला तो निकल गया, दोनों ही निकल गए, अनिश्चित संख्या है कि निश्चित संख्या है या संख्यावाचक विशेषण है। हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों मारे गए, गिने नहीं है कि कितने हैं, संख्या निश्चित नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे है, निम्न में से कौन से विशेषण का निर्माण अव्यय से हुआ है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, पियक्कड़, शास्त्रीय, बाहरी, खिलाड़ी। तो पियक्कड़ तो पीना से बना, शास्त्र से शास्त्रीय, बाहर से बाहरी, खेलना से खिलाड़ी, तो अव्यय क्या आ जाएगा, बाहर। तो यहाँ पर बाहर ही हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सॉरी एक बार PDF कहाँ गई, हाँ जी, तो हम कर रहे थे, हाँ आगे क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गिरीश हंसता है, गिरीश हंसता है अकर्मक क्रिया है, क्या हंसता है, मतलब कि यहाँ पर कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा, तो अकर्मक क्रिया है। सारिका पुस्तक पढ़ती है, एक कर्मक क्रिया है। मैंने नौकर से कमरा खुलवाया, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया वहाँ होती है जहाँ एक काम करने के बाद दूसरा होता है, उसने नहाकर खाना खाया, अगर ऐसा वाक्य होता तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती, तो ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। आगे है, मीना ने भिखारी को आटा दिया, दो कर्म हो गए, मीना ने भिखारी को आटा दिया, तो यहाँ पर बाकी वाक्य भी आपने ध्यान रखना है, केवल आंसर ही ध्यान में नहीं रखना, बाकी भी सभी वाक्यों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राधिका गीत गा रही थी, अपूर्ण भूतकाल, मीरा गई होगी, संदिग्ध भूतकाल, कि शायद गई हो या ना गई हो, तो इसमें क्या है, संदेह है, बच्चे खेल रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, शायद वर्षा हो जाए, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल नहीं होगा, शायद वर्षा हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि बादल कहीं और चले जाएं, वर्षा ना हो, तो ये आता है संदिग्ध भविष्यत काल, या संभाव्य भविष्यत काल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है। आगे है, इनमें से कौन सा एक विकारी शब्द है, तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो यहाँ पर क्या है, स्वंदबोधक, समुच्चयबोधक, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ये सारे अविकारी शब्द हैं, ये क्या हैं, अविकारी हैं, लेकिन विशेषण विकारी शब्द है, ठीक है। आगे है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अच्छा है जो विचार, सुविचार, सही है, चक्र है पानी में जिसके चक्र पानी, हाथ की कड़ी हथकड़ी, आठ अध्यायों का समाहार, अष्टाध्यायी, तो यहाँ पर सही नहीं है, हाथ के लिए कड़ी आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये गलत है, हथकड़ी आ जाए तो क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। नेक्स्ट है, वाक्य के दिए गए प्रकारों में से कौन सा एक अलग है, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य अलग है, आपको पता है कि ये क्या है, रचना के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, उनमें से एक है, तो यही अलग है, यही हमारा आंसर है। आगे है, यह वही छात्र है जिसने मेरी मदद की थी, वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या विशेषण है या क्या है, ठीक है, जिसने मेरी मदद की थी,
वह यह वही छात्र है, मेरी मदद की थी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसने मेरी मदद की थी। ये तो आश्रित उपवाक्य है और प्रधान कौन सा हो जाएगा, यह वही छात्र है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना है। यह वही छात्र है प्रधान वाक्य हो गया, जिसने मेरी मदद की थी ये कौन सा हो गया, आश्रित हो गया। ठीक है, आगे आ गया जो मैंने पहले बोल दिया था ना कि ये किस संज्ञा आश्रित है या कैसा वाक्य है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। मीनल ने सोचा कि वह इस बार अच्छी पढ़ाई करेगी, तो ये तो संज्ञा हो गई। ठीक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। आगे, जो परिश्रम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। सफलता किसे मिलती है, जो परिश्रम करता है, इसका मतलब उसकी विशेषता होगी, तो ये विशेषण हो गया। यहाँ मैं खेलता हूँ, वहाँ अब कोई नहीं खेलता। माता जी ने कहा कि वे कल मंदिर जाएंगी, माता जी ने कहा कि वो कल मंदिर जाएंगी, तो ये मिश्रित वाक्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, क्रिया विशेषण आधारित उपवाक्य हो जाएगा। यहाँ मैं खेलता हूँ, वहाँ अब कोई नहीं खेलता। ठीक है, आगे है, कौन सा प्रकार व्याधिकरण समुच्चय बोधक का नहीं है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद याद रखने हैं। तो व्याधिकरण में कारणवाचक आता है, उद्देश्यवाचक आता है, स्वरूप वाचक आता है। ठीक है, और ये जो विरोध बोधक है ये तो समानाधिकरण का है, तो यहाँ पर नहीं आता। समानाधिकरण में संयोजक आ जाता है, विभाजक आ जाता है, परिणाम बोधक आ जाता है, तो यहाँ पर इसमें ये नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है, विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो उम्मीद है सबको ही पता होगा कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मीना पुस्तक पढ़ती है कृतवाच्य है, कृतृवाच्य है, पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य है, राम से खाया नहीं जाता भाववाच्य है, राम पत्र लिखता है। तो आप देखिए, मीना पुस्तक पढ़ती है, राम पत्र लिखता है, एक जैसे वाक्य, तो एक कृतृवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य कैसे हो सकता है, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण अनुकरणात्मक क्रिया का नहीं है। अनुकरण मतलब एक किसी का अनुकरण करना, पीछा करना, थर थराना अनुकरण है, जुठलाना, खटखटाना, थपथपाना, थपथपाना भी अनुकरण क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, खटखटाना भी, लेकिन जुठलाना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द योगरूढ़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द योगरूढ़ है, तो यलज हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न। तो आपने बताना है कि प्रश्न समझ आए, कैसे लगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही प्रश्न सभी टॉपिक से लेते रहेंगे ताकि एक अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। लाइक शेयर ज़रूर करना, जब व्यूज़ नहीं आते तो फिर मन नहीं करता कि क्यों, मेहनत लगती है, आपको पता है ना कि कितनी सारी मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, सब कुछ टाइप करने में, क्वेश्चन ढूंढने में, ऐसे क्वेश्चन जिस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसके लिए इतना तो हक बनता है, आपको लाइक शेयर ज़रूर करना चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।